बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शंस एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस दैट इम्पैक्ट द बॉडी, देन वर्क अलोंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम टू रिस्पॉन्स टू सच एनवायरमेंटल चेंजेस। द नर्वस सिस्टम यूजेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। सो वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरोन। इन दिस डायग्राम यू कैन सी अ स्ट्रक्चर विद अ बॉडी एंड सोमा एंड द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज डेंड्राइट्स एंड बिटवीन दिस बॉडी देर इज अ न्यूक्लियस एंड दिस लॉन्ग structure is known as axons and then outer covering is myelin sheets and axon is formed by Schwann cells. So we discuss complete the structure of a neuron further. First of all, before starting the anatomy of the nervous system, there are some important feature of the nervous system. The nervous system is consist of brain, spinal cord and peripheral nerves. The nervous system detects and responds the changes inside of the body and outside of body. यानी हमारी body में जो भी changes आ रही हैं, जैसे environmental changes हमारे पास जाते हैं, बाहर weather hot है या फिर cold है, इसके मुताबिक हमारी internal body में जो भी changes आ रही हैं वो सारे signal हमारी nervous system ही detect करता है कि यही हमारी body की external environment है और इसके मुताबिक आप अपने body को maintain करो। द नर्वस सिस्टम वर्क अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं करता, हमारे बॉडी में एक अदर सिस्टम है जिसे हमारे क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके इकट्ठे काम करके बॉडी के हमारे पर फंक्शन और जो होमियोस्टेसिस है इसको मेंटेन करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास इमीजिएट रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन को करेगा और हमारे पास इमीजिएट जो इसका असर होगा, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में ही हमारे पास पहले हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारे पास ये हार्मोन्स हमारे पास जाके फैक्टर ऑर्गन पर करेंगे और फिर भी जाके इसका रिस्पॉन्स आएगा। इसलिए हमारे बॉडी में जो क्विक रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंजेस या इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंजेस हैं, वो नर्वस सिस्टम के जरिए से, जबकि इसके मुताबिक जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारी बॉडी में स्लो और प्रोलॉन्ग असर करेगा। नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं टू पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वाइल द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व एंड द सैक्रल नर्व्स एंड द सम आर सेंसरी एंड द सम आर मोटर नर्व्स। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is further divided into two parts, sensory division and motor division. Sensory division which detects the signal from the environment and the motor division from the brain to the affected organ. The motor division is further divided into two parts, voluntary and involuntary. The voluntary system which is the somatic nervous system which is not under control, and involuntary the autonomic nervous system which control the function of smooth and cardiac muscles. The autonomic nervous system is further divided into two parts, sympathetic and parasympathetic. So this is the division of the nervous system. The nervous system include brain, spinal cord and peripheral nerve. The nervous system is further divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. The peripheral nervous system is further divided into the autonomic nervous system and the somatic nervous system. Autonomic nervous system is which control the activity of our internal organ and the somatic which control the activity of our visceral organ and the voluntary muscles.
The autonomic nervous system is further divided into the sympathetic and parasympathetic. Sympathetic, the system, the body system which is activated during flight and fight. यानी जब हमारे कोई भी परेशानी या body में कोई भी system activate होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये system sympathetic system activate हो जाता है. जबकि जब हमारी body normal resting condition में है तो parasympathetic system activate होगा. Somatic nervous system is further divided into the sensory or afferent nervous system और द मोटर एंड या फिर इफरेंट नर्वस सिस्टम. सो दिस इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व से हमारे पास सिग्नल्स आएंगे सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए से, जो कि हमारे पास साइट, हेयरिंग, स्मेल, ये हमारे पास रिसेप्टर हैं. इसके जरिए से हमारे ब्रेन CNS पे जाएंगे और फिर वहाँ से हमारे पास अफेक्टर मोटर न्यूरॉन के जरिए से अफेक्टर ऑर्गन में जाएंगे. Before we started the anatomy of the nervous system, there is a slight difference between the neural cell and the ordinary normal body cell. The first nerve cell. The nerve cell is the longest cell in our body, as you see first in the diagram, while the ordinary cell is the round and oval in shape. The nervous cell only belong to the nervous system, while the ordinary cell belong to the structural part of the body. The neuron cell is divided into two parts, cyton, body, axons and dendrites, while the ordinary cell is divided into the cytoplasm and nucleoplasm. The neuron cell carries the impulses to the brain and the spinal cord, while the ordinary cell involved in metabolic activities. The nerve cells are not regenerated. This is the most important characteristics of the nerve cell. While the other cell are involved in cell division and replacement of death cell. इसलिए कहते हैं कि ब्रेन के सेल एक दफ़ा अगर डेथ हो जाए तो दोबारा उनकी रीजनरेशन नहीं होती. मतलब अगर ब्रेन की एक दफ़ा डेथ हो गई है तो बंदा सर्वाइव नहीं करता है, उसकी ऑलरेडी डेथ हो गई. अगर बॉडी बाकी से में भी अभी सेल्स वगैरह अलाइव हों. द नर्व सेल एंड विद द डेंड्राइट्स वाइल दे डू नॉट हैव द एंड पॉइंट, देज आर प्रेजेंट इन राउंड शेप. The nerve cells are covered with an outer covering with the lipid coat, while they are covered with the plasma membrane. The special type of the cell is known as the nasal granules, which are present in the neurons, while they are not present in ordinary body cells. So this is the difference between the nerve cell and an ordinary cell. Neuron. The neuron is the structural unit of the nervous system. The nervous system consists of vast number of the cells is called neurons. The neuron is covered with a special type of the connective tissue is known as the neuroglia. The neuron is divided into three parts. The first one is soma, body, and dendrites and axons. The neurons are commonly referred to as nerve cells. The bundle of axons, बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी. एज यू शो इन द डायग्राम द सेल बॉडी, द नर्व सेल वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप, बट दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई. द सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. The nervous system is further divided into the white matter and the gray matter. The cell body of the neuron form the gray matter of the brain that are found on the periphery of the brain and the center of the spinal cord. यानी जो हमारे पास न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये हमारे पास जो हमारे पास ब्रेन का ग्रे मैटर है वो बनाएंगे हमारे पास, और ये पाए जाते हैं हमारे पास पेरीफ्री ऑफ द नर्वस ऑफ द ब्रेन और सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारे पास ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी, इसे हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूक्लाई कहते हैं, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल द गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी बात एक ही है कि जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये हमारे पास ब्रेन के जो ग्रे मैटर है वहाँ पाई जाती है, और जो ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, इन्हें न्यूक्लाई कहती हैं. और यही सेल बॉडी अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाएगी तो इसे हमारे पास क्या कहेंगे, गैंग्लिया. Axons. Axons are the axons and the dendrites are the extension of cell body which form the white matter of the nervous system.
यानी जो हमारे पास न्यूरॉन है इसके थ्री पार्ट है, एक सेल बॉडी है हमारे पास, एक इसका एक्सॉन्स है और डेंड्राइट्स है। जो सेल बॉडी है ये हमारे पास ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगी, जबकि जो हमारे पास ब्रेन का जो वाइट पार्ट है वो हमारे पास एक्सॉन और डेंड्राइट्स बनाएंगे। एक्सॉन्स आर फाउंड डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप इज कॉल्ड ट्रैक्स। एक्सॉन्स को कलेक्टिवली पहले बताया, इन्हें हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। ईच हर सेल का हमारे पास अपना एक एक्सॉन्स होता है हमारे पास, कैरिंग द नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल्स। ये आर लॉन्ग, दे आर यूजली लॉन्गर, जो हमारे पास एक्सॉन्स है डायग्राम में आपने देखा होगा, दे आर लॉन्गर देन द डेंड्राइड्स, आमतौर पर ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सॉन्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड द एक्सोलीमा। एक्सॉन्स हमारे पास जहाँ से हमारे पास सेल बॉडी ख़त्म होती है वहाँ पर एक एक्सॉन हेलिकॉन पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे हमारे पास कहते हैं एक्सॉन हेलिकॉन कहते हैं। वहाँ से हमारे पास एक्सॉन की एक्सटेंशन होगी, इससे हमारे पास जो मेम्ब्रेन है इसे हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। एक्सोलीमा जो कि इंक्लोजेस विद द साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। जो सबसे आउटर बाहर कवरिंग है हमारे पास एक्सॉन की, इसे हमारे पास क्या कहते हैं, माइलिन शीट्स कहते हैं। और एक्सॉन्स कंपोजिशन पहले बताया था, ये श्वान सेल्स से मिलकर बना होता है जो कि अरेंज होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन्स। ईच वन द श्वान सेल आर रैप्ड अराउंड द एक्सॉन सो दैट इज कवर्ड विद द नंबर ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द श्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये जो हमारे पास सेल बॉडी है इसकी एक्सटेंशन से एक्सॉन बनेगा, एक्सॉन की जो हमारे पास फर्स्ट मेम्ब्रेन है इसे एक्सोलीमा कहेंगे। एक्सोलीमा के ऊपर हमारे पास सीरीज ऑफ द श्वान सेल्स होगा और श्वान सेल्स के ऊपर कवरिंग होगी हमारे पास, जिसे हमारे पास क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। फिर इसके बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होगी श्वान सेल के ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज न्यूरोलीमा एज यू शो इन द डायग्राम। ये हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं, ये हमारे पास माइलेटेड और नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स हैं। जो हमारे पास सबसे अंदर जो हमारे पास श्वान सेल्स है, श्वान सेल्स का हमारे पास न्यूक्लियस है। फिर साइटोप्लाज्म में आउटर मोस्ट कवरिंग जो न्यूरोलीमा है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ एक्सॉन्स ऐसे हैं जिनमें माइलिन शीट होती है, कुछ एक्सॉन ऐसे हैं जिनके आउटर कवरिंग में माइलिन शीट नहीं होती। डेंड्राइट्स आर द मैनी शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी द इनकमिंग इम्पल्सिस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यानी जो इम्पल्सिस जो सेल बॉडी की तरफ लेके जाती है एक्सटेंशन, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। जो सेल बॉडी से हमारे पास डिफरेंट अगले दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करेगी वो हमारे पास एक्सॉन्स होंगे। जो हमारे पास डेंड्राइट का स्ट्रक्चर इज द सेम एज द एक्सॉन बट दे आर यूजली शॉर्टर एंड ब्रांचिंग एज यू सी इन द डायग्राम। इन मोटर न्यूरॉन दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द साइनेप्सिस आ जाते हैं। जो हमारे पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन्स के एंड पे हमारे पास छोटे हमारे पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा इसके साथ कनेक्शन बनाएंगे। इस कनेक्शन का हम क्या कहते हैं, थ्रू आर साइनेप्सिस। साइनेप्सिस होएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर करेंगे। यानी एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैचमेंट करेगा थ्रू साइनेप्सिस के जरिए से। दिस फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। देर इज ओनली अ सिंगल एक्सॉन पर न्यूरॉन व्हाइल देर इज मैनी डेंड्राइट्स। एक्सॉन अराइजेज फ्रॉम द कॉनिकल प्रोजेक्शन इज नोन एज द एक्सॉन हेलिकॉन एज यू सी इन द डायग्राम। एक्सॉन हेलिकॉन हमारे पास, ठीक है, यानी सेल बॉडी से एक हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकलेगी जिसे हम एक्सॉन हेलिकॉन करेंगे और वहाँ से ही एक्सॉन्स की एक्सटेंशन होगी। वाइल जो डेंड्राइट्स डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम रिसीविंग द सर्फेसिस ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन आर लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म वाइल द डेंड्राइट्स आर शॉर्टर एंड टेपरिंग। द एक्सॉन ब्रांच्ड एट द डिस्टल एंड ओनली वाइल मैनी ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स। द एंड ऑफ द एक्सॉन्स are enlarged to form a synaptic knob at the tip while no knobs are present at the end of the dendrites as you see in the diagram. At the end of the axon there is a terminal butons ya phir knobs. Then the axon have the neurotransmitter containing the vesicle in the knobs. एक्सॉन के एंड पे मैंने बताया कि हमारे पास छोटे छोटे नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास न्यूरो
ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर यानी हमारे पास एंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंस जो कि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेके जाते हैं, जबकि जो हमारे पास डेंड्राइट दे डू नॉट हैव सच वेसिकल। एक्सॉन कैरी द इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी व्हाइल द डेंड्राइट ट्रांसमिट द इम्पल्सिस फ्रॉम द साइनैप्स टू द सेल बॉडी। सो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। Now there is a difference between neurons. The some neurons have the outer covering known as myelin sheath, while the other neurons have no covering. They known as non-myelinated neurons. Those neurons which have an outer covering is known as myelinated neurons. And between these myelinated neurons, there is no membranes. The tiny area of the exposed axolema between the adjacent Schwann cells is known as the node of Reinhart's. As you see in the diagram, के Schwann cells है, Schwann cell के outer covering जो हमारे पास outer covering neurolemma in between one Schwann cell and another Schwann cell, there is no outer myelin sheath. This point is known as the node of Reinhart's. This is the point where the transmission of impulses take place. Between the Schwann cell there is an area is known as the node of Reinhart's, which assists the transmission of the nerve impulses. The postganglionic fiber and the some other fiber in the central nervous system are non-myelinated. There is no outer covering of the myelin sheath. The adjacent Schwann cell are in close association and there is no exposed axolema. So the speed of transmission of the nerve must be significantly slower in the non-myelinated nerve fiber. अभी मैंने बताया कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके आउटर कवरिंग माइलिन शीट होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होती है। तो जिनमें हमारे पास माइलिन शीट कवरिंग होती है उन में जो हमारे पास Schwann cells हैं इनके दरमियान में हमारे पास नॉन एक्सपोज एरिया जिसे हमारे पास नॉड ऑफ Reinhart's कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स है इसमें हमारे पास जो सिग्नल है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस है, वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू द माइलेटेड। सो द डिफरेंस बिटवीन द माइलेटेड न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स, जो हमारे पास माइलेटेड न्यूरॉन्स है इनके हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे पास लार्जर होते हैं हमारे पास, जबकि जो नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स है या अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स हैं इनके जो हमारे पास एक्सॉन्स हैं वो स्मॉलर होते हैं। जो माइलेटेड न्यूरॉन्स हैं इनके कंसेंट्रेटिंग लेयर ऑफ द Schwann cell ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो हमारे पास Schwann cell है इसके आउटर कवरिंग है जिससे हमारे पास माइलिन शीट कहते हैं, जबकि जो हमारे पास अनमाइलेटेड इनके इर्द गिर्द जो कवरिंग है वो माइलिन शीट की नहीं होती। इसी तरह जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास माइलेटेड आल प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द पोस्ट एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फाइबर मोर देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, while the unmyelinated nerve fiber are present in preganglionic fibers in autonomic nervous system and the peripheral nervous system less than 1 micrometer in diameter. यानी जो myelinated neurons होते हैं वो हमारे पास larger होते हैं वो हमारे पास, ठीक है, और इनका size तकरीबन almost 1 micrometer से ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारे पास unmyelinated होते हैं इनके less than 1 micrometer in diameter. As you see in the diagram, there is a structure of a typical neuron with myelinated or unmyelinated sheet. The first one is the cell body and between the cell body there is a nucleus. The another name of the cell body is the soma, and from the cell body there are the many extension is known as dendrites, and from the cell body there is a conical shape is known as the axon helicon, and axon helicon form the axons. And the axon helicon there is an extension is known as axolemma, and the axon is formed different type of the Schwann cells, and the Schwann cell outer covering is known as neurolemma, and neurolemma outer covering known as the myelin sheath. Between one Schwann cell and another Schwann cell there is no myelin sheaths and no outer covering of neurolemma. This is point is known as node of Reinhart's, where the transmission of impulses take place. At the end of the axon there is a small knob like structure is known as the terminal butons. These knobs are connect with the dendrites of another neurons, and between this knob there is a neurotransmitters which transfer the signals from the one neuron to the
another neurons. So the connection between the one neurons and the another neurons through a junction is known as the synapse. The point at which the nerve impulse passes from the one to another is known as the synapse. And the neural junction, the site of the transmission of the electrical nerve impulses between the two neurons and gland and the muscle is known as the neuro junction. Yani ek neuron ka dusre neuron ke sath jo hamare paas transmission impulses iske hamare paas neural junction neuromuscular junction kahenge aur is wo jo ke point hai jisme hamare paas ek neuron ka dusre neuron ke sath ya neuron ke muscles ke sath ya gland ke sath जो जंक्शन बनेगा हमारे पास इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे और इस पॉइंट को हमारे पास क्या कहेंगे साइनैप्स कहेंगे. इस डायग्राम में आप दो हमारे पास न्यूरॉन्स देखे एट द एंड ऑफ द वन न्यूरॉन द एक्सॉन नॉब्स दे कनेक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन थ्रू आर साइनैप्स. सो pre-synaptic cells which connect to the other neurons is known as the post-synaptic cells. ठीक है, यानी synapses बनने से पहले जो cell होगा इसे pre-synaptic cells कहेंगे और pre-synaptic cells जब दूसरे neuron के साथ attach होगा synapses के बाद तो इसे हमारे पर post-synaptic cells कहेंगे. The synapses are the close proximity to the dendrites and the cell body of the postsynaptic neurons. And the space between the end of the axons and the attachment of the dendrites on another neuron is known as the synaptic cleft. यानी जो हमारे पास synapse है हमारे पास एक neuron का दूसरे neuron के दरमियान जो connection इसे हमारे पास synapse कहेंगे. इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी space गड़ा सा पाए जिसे हमारे पास क्या कहेंगे synaptic cleft कहेंगे जहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे. At the end of the synaptic nerve, there is a spherical synaptic vesicle that containing the neurotransmitters. Neurotransmitters are the synthesized nerve cell actively transported along the axon and stored in the synaptic vesicle which are present at the end of the axon. So, you can see the diagram of a synapse and the synaptic cleft. The axon end of the one neuron and the dendrite end of the and the dendrite end of the one neuron. Between the end of the axon there is a synaptic cleft and at the end of the one axon there are present synaptic vesicles and these synaptic vesicles contain the neurotransmitter which are released during the transmission of impulses. Neurotransmitters. The neurotransmitters are the endogenous chemical substances that are released from the vesicles and signaling the molecules that enable the neurotransmissions. They are the different type of the neurotransmitter which transmit the signal close the chemical synapse from the one neuron to the another target neuron, muscles and gland. न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे पास एक एक्सॉन के एंड से जो हमारे पास साइनेप्टिक अगर नॉब है वहाँ से रिलीज होंगे साइनेप्टिक लेफ्ट में और फिर अदर जो हमारे पास डेंड्राइट्स के साथ अटैचमेंट है वहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन करेगा जिसकी वजह से इम्पल्सिस जो कि हमारे पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ फिर हमारे पास टारगेट ऑर्गन के पास चली जाएंगी. दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. द इम्पॉर्टेंट सेवन न्यूरोट्रांसमीटर विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, गाबा, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन द न्यूरोट्रांसमीटर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट. मोनो अमाइंस विच इज इंक्लूड डोपामिन, नॉन एड्रिनालिन, एड्रिनालिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. And the neurotransmitter which are composed with amino acid are glutamate and GABA. Peptides include opioids, endorphin, somatostatin, oxytocin and vasopressin. And the other neurotransmitter include acetylcholine and the nitric oxide. On the basis of their function, the nerves are divided into the sensory nerve and motor nerve and mixed nerve.
The another name of the sensory nerve are afferent nerve, which carry the impulses from the sensory receptor towards the brain, while the motor nerves is known as the efferent nerves, which carry the impulses away from the brain to the muscle and gland. यानी वो जो कि सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके आएंगे नर्व्स, इन्हें हमारे पास सेंसरी नर्व कहेंगे, और जो ब्रेन से हमारे पास अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ, मसल्स की तरफ या ग्लैंड की तरफ से लेके जो नर्व्स जाएंगे वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे। और ऐसी नर्व जो कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसे हमारे पास क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट या इफरेंट न्यूरॉन्स। जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होंगे इनके जो हमारे पास एक्सॉन्स, जो हमारे पास लॉन्ग डेंड्राइट्स एंड शॉर्ट एक्सॉन, यानी वो नर्व्स जो कि हम पल्सेस ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, इनके डेंड्राइट्स ज़्यादा और जो लंबे होंगे, जबकि जो इनके एक्सॉन्स हैं वो शॉर्टर होंगे। वाइल जो कि हमारे पास ब्रेन से अफेक्टेड ऑर्गन या मसल की तरफ लेके जाते हैं, इनके डेंड्राइट्स शॉर्ट और फिर एक्सॉन लंबे होंगे हमारे पास। फंक्शन क्या है, जो कि कंडक्ट द इंपल्सिस टू द स्पाइनल कॉर्ड वाइल दे कंडक्ट द इंपल्सिस टू द अफेक्टेड ऑर्गन। जबकि जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, इनकी लोकेशन ज़्यादा सेल बॉडी डेंड्राइट आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पाए जाएंगे, जबकि ये ज़्यादा हमारे पास इनसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसे न्यूरॉन जो कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगे, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, इनका हमारे पास जो एक्सॉन है डेंड्राइट से ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ होंगे, और ये हमारे पास इंटायरली सारे नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल शेप। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द सेंसरी न्यूरॉन। द सेंसरी न्यूरॉन हैव शॉर्टर एक्सॉन एंड द मोर डेंड्राइट्स एंड देयर सेल बॉडी इज नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन, दे आर प्रेजेंट एट बिटवीन। एंड देयर इज मोटर न्यूरॉन, दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स एंड द शॉर्टर डेंड्राइट्स, एंड द इंटर न्यूरॉन्स इन दे हैव एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इक्वल इन लेंथ। द एफरेंट न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स, द इफरेंट न्यूरॉन्स, दे हैव लॉन्ग डेंड्राइट्स एंड शॉर्ट एक्सॉन, वाइल द इफरेंट हैज शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग एक्सॉन्स। The afferent neuron, the cell body is present at the side of the neuron, not at the end, as you see in the diagram. The cell body is present at the side of the neuron, not present at the end, while in the case of the efferent neuron, the cell body is present at the end of the neuron. The afferent neuron start with the receptor, while the efferent neuron end with the effector. On the basis of this nerve, the sensory receptor, on the basis of this sensory neuron, the sensory neuron are divided into 5 different basic type: the mechanoreceptors, thermoreceptors, nociceptors, electromagnetic receptors and the chemoreceptors. These are divided on the basis of their on the basis of their location in the body which receive the signals. Mechanoreceptors. The mechanoreceptors receive and detect the mechanical compression and stretching of the receptor of the tissue adjacent to the receptor, while the thermoreceptor detect the change in temperature, some receptor detecting the cold and other warm. Nociceptor is another name, is the pain receptor which detect the change in the pain occurring in the tissue. Electromagnetic receptor which detect the light on the retina of the eye. So the chemoreceptor which detect the taste in change, smell, nose, oxygen level and osmolality of the body and carbon dioxide concentration in our body. So these are the basic 5 type of the receptor which are present in our body on the basis of their nerve transmission: mechanoreceptor, thermoreceptor, nociceptor, electromagnetic receptor and chemoreceptor. This is all about the basic structure of the neurons and the difference between the neurons, myelated and unmyelated neurons, and the difference between the structure of the neurons, axon, dendrites, and the different type of the nerves, sensory neuron and the motor neuron. And those, on the basis of their sensory neuron, there are different type of the senses present in our body
मकैनो थर्मो रिसेप्टर, मकैनो रिसेप्टर, नोशो रिसेप्टर एंड सो ऑन. दिस इज ऑल अबाउट आर टू डे लेक्चर. इफ यू आर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर. थैंक यू.